स्टार्ट गेटिंग रिकॉर्डेड अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन जो पेपर आपके सामने है वो सी है मेरे पास है, ठीक है। सी सेट के आंसर की मैं आपको बताऊंगा। 99.9% ये आंसर सारे ठीक नहीं थे, ठीक है। इफ देयर इज वन और टू, क्योंकि कई बार जो फिलोसफिकल क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं ना वो उन्होंने ही बेस्ड हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मंजू भी कुछ नहीं बताया आंसर की, शुरू करने वाला हूँ। सी सेट है हमारे पास जिसकी मैं आंसर की बताने वाला हूँ। जिंदा पहला क्वेश्चन सी, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश इन न्यूयॉर्क सिटी इज वेल नोन वर्क ऑन सोशल लिंग्विस्टिक बाय। तो शुरू कर रहा हूँ, आंसर बताऊंगा सीधा। तुसी आंसर ए रिकॉर्डिंग आप पा देंगे ग्रुप में तो तुसी देख लेना, लेकिन मैं सीधे सीधे आंसर तो लगा के दे रहा। सी सेट वाले तो जो है सीधे सीधे ला सकते हैं। तो पहला जो आंसर है वो है विलियम लेबो, सी सेट है, याद रखना है जी। सेकेंड जो है एप्रिसिएशन, इट्स बाय ऑप्शन डी वॉल्टर पेटर। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जो शील्ड ऑफ एचलिस है, ठीक है, इसका आंसर है बी हेफेस्टस। सी सेट तो मैं दस रहा हूं, याद रखना है, ठीक है। तो आप अपने आंसर मिला सकते हो, बाकी भी देख लेना जो जितने तो क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार सीरीज सेम ही होती है 10-12 क्वेश्चन तो बाद, वो चेक कर लेना। क्वेश्चन फोर, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी का क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अपना क्वेश्चन पता नहीं किन्नी और अपन कर भी लिया सी, विलियम एम्सन, ठीक है। तो दिस वन, विच ऑफ दिस वर्क दिस इज नॉट अ वर्क बाय वी एस नोपोल, एंड द आंसर इज द ग्राउंड बीनीथ सी। सीधे सीधे आंसर दसांगा तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए अपन, ठीक है। तो आंसर ले सकते हो सीधा, आप आंसर ही मिलाने तो सिर्फ सीधा आंसर बताते जाऊंगा मैं आपको। तो अब क्वेश्चन पांच हो चुके हैं, छह से दस का आंसर आपको बता रहा हूँ। सेट सी है, याद रखे जी, जो सेट आपके सामने है वो सी, सी सेट की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर छह, बी ऑप्शन जलियांवाला बाग, विच इंसिडेंट फोर्स रविंद्रनाथ टैगोर टू रिटर्न हिज नाइटहुड फॉर सर्विसेज टू लिटरेचर। तो जलियांवाला बाग, वर्स्ट ड्रामा रॉबर्ट ब्राउनिंग द पीपा पासिस, सातवां क्वेश्चन, आंसर सी। सेट भी सी है, याद रखना। केड़ा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वर्क बाय मिल्टन, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ब्लेक दा, तुहानू पता है। स्टेटवे सारे सारे क्वेश्चन मिल लगता है, कोई भी नहीं सी जो आप ना किया हो, ठीक है। फर्स्ट लेबोव वाला नया हो सकता है। हाँ जी, अब ऑडिबल सही है, पास ही आप माइक मेरे। तो वैसे भी अगर आवाज ना आए तो आंसर आप देख सकते हो कि मैं सीधा सीधा टिक कर रहा हूँ। वर्ड्स वर द फर्स्ट पब्लिकेशन आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793। तो आंसर बी, तो 9 तक के आंसर मैंने आपको बता दिया, आप अपने मार्क्स साथ साथ नोट कर लेना, बाद में अपने ग्रुप में शेयर करना किसने कितना स्कोर करा, ठीक है। और सेट सी दे आंसर की है थोड़े सामने, सी वाले टिक कर लेंगे, बाकी दूजे नाल शेयर कर लेंगे आंसर। तो मैं वैसे आंसर की शेयर भी कर दूंगा जिस पे टिक लगे हुए सी वाले। तो 9 क्वेश्चन होगा जी पेज 1। हुण आपां चलिए क्वेश्चन नंबर 10 वाले। तो क्वेश्चन नंबर 10, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, आंसर इज डी, पर्सी बाय से शैले, सी सेट। आई एम रिमाइंडिंग यू, सेट सी। मॉली एंड गेम अननेमेबल, सैमुअल बेकेट, 11वां क्वेश्चन, सी आंसर। द ह्यूमर थ्योरी जो फंडामेंटल है वो फिजियोनॉमी होता है। फिजियोनॉमी देखो इन किवें करोगे, जिहड़ी ह्यूमर थ्योरी है तुसी किसे न्यू हसदा वेखोगे किवें पहचानोगे, उन्दे फेस एक्सप्रेशन तो फिजियोनॉमी फेशियल एक्सप्रेशन होता है किसी का, वहां से पता चलता है। तुसी इहनू क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि उन्होंने की होगा, लेकिन आंसर इज सी, आंसर सी ही मिलेगा तुहानू उत्थे दा। तो सेट सी 12वां क्वेश्चन, आंसर इज सी, फिजियोनॉमी। गीतांजलि की इंट्रोडक्शन बहुत बार हमने कर ली थी, आपने पढ़ पढ़ के इसको कितनी बार कर लिया। डब्ल्यू बी येट्स इज द आंसर, ए ऑप्शन, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, English is not really an alien language to us. It is a language of our intellectual makeup. तो ये बात कही थी राजा राव ने, ठीक है। राजा राव आंसर है जी इनका डी। कई चीजा नवी होंगे, गैसेज होंगे, जिंदे गैस हो जाते हैं ठीक, उन्हें बहुत खुशी होंगी, उम्मीद है सारे दे ठीक होएगा। पोइट लॉरेट बनने से इनकार कर दिया, declined the poet laureateship, answer is C, Philip Larkin, C set है। I'll keep reminding you that I'm talking about set C. Answers displayed for set C. Question 16, George Eliot ne kinde bare kiya si
Which of the Eliot's novel is described by Wolf as one of the few English novels written up for grown-up people? Middlemarch. D answer है जी, Middlemarch. 17 का, which of the following writer is the first English language writer awarded the Gyanpith Award? तो answer is Amitabh Ghosh. Amitabh Ghosh, C is right answer. तो 17 का answer C. अपने marks आप गिनते रहना. तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें. सेट सी ऊपर लिख रहा हूं मैं, सेट सी वी आर टॉकिंग अबाउट. तो क्रिस्टोफर मार्लो वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स शुरू कर रहा था सबसे पहले. लंडन बोर्न अमेरिकन राइटर. ये क्वेश्चन जो अपना सिलेबस तो बाहर है जी, झंपा लहरी जो अपने नहीं सी, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज. पुलित्ज़र प्राइज इन्हें मिला था फिक्शन के लिए, सिलेबस तो बाहर जरूर सी, लेकिन आंसर है इनका ए. क्वेश्चन नंबर बी, कॉलरिज की अटेम्प्ट की उन्हें अपन नु याद होएगा तुहानू कि उन्हें पोएटिक डिक्शन ते रिएक्शन दिती थी वर्ड्स वर्ड ते, और वो पोएटिक डिक्शन बायोग्राफी लिटरेरिया में. तो आंसर इज ए, 20 का आंसर ए, बायोग्राफी लिटरेरिया. 21 लिरिकल बैलेट्स द लॉन्च ऑफ रोमांटिक एरा. तो 1798 एक क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी. Which English poet wrote A Little Knowledge is a Dangerous Thing? बहुत बार हमने कर लिया, ठीक है. तो Alexander Pope. चंचल क्लास स्टार्ट. तो बस ये है कि आंसर की बता रहे हैं, सेट सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेट सी है. मैं इसके आंसर ग्रुप में भी डाल दूंगा, दोबारा तो नहीं करवाऊंगा अभी, लेट हो जाएगा. लेकिन आप ऐसे करो, अगर सेट सी आपके पास है, नहीं भी है तो कोई गल नहीं, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो चंचल 23 से शुरू हो जाओ, 22 के आंसर में बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है. आप यहीं से कंटिन्यू करो, 20 के बाद वाले आंसर में रिपीट कर दूंगा, ठीक है. अभी इसको चलने देते क्योंकि बाकियों का रह जाएगा फिर. अभी क्वेश्चन नंबर 3, रेप ऑफ द लॉक डेडिकेटेड टू जॉन कैरल. ऑप्शन ए, सेट सी है जी अपने को. सैम बेलर इज ए फिक्शनल कैरेक्टर. पिकविक पेपर्स ऑप्शन ए. सैम वेलर पिकविक पेपर में है. फेरी क्वीन पिछली बार भी आया सी, क्वीन एलिजाबेथ 1 को रेफर करा है. क्वेश्चन नंबर 25 वाले पास चल लीजिए, 25 हो गए हमारे 26 से. सेट सी जो बाद में ज्वाइन करेंगे दे वुड शुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेट सी. एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर, सिलेबस तो बाहर है जी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ला रहे हैं. तो आंसर एक्चुअली डोल्स हाउस में भी है, लेकिन सही आंसर है देखा आउटसाइडर. जिनका गैस ठीक हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है. आउटसाइडर सी, क्वेश्चन भी आउटसाइडर है साडे लई और इसका आंसर भी आउटसाइडर है. एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर की जो एग्जांपल है वो आउटसाइडर है इसके अंदर. जेन एयर का सेकेंड एडिशन डेडिकेटेड था विलियम ठाकरे को, विलियम मेकपीस ठाकरे. 27 आंसर सी. मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन के द्वारा नहीं लिखी गई. डॉल हाउस सुर भी है, लेकिन जो ना इसमें जो ये पूरी तरह से एग्जिस्टेंशियल लिटरेचर का है, लेकिन इसमें कुछ उसके एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए जो सही आंसर होगा ना वो आउटसाइडर आएगा, देख लेना. कुछ डॉल हाउस एच भी है क्या, लेकिन जो प्योर वर्क है ना वो आउटसाइडर. तो सेकेंड एडिशन का 27 28 का जो आंसर है, देखो आपा कीता, फ्ली भी पड़ी हुई है, गो एंड कैच है, फेलिंग स्टार भी पड़ी है, डेथ बी नॉट प्राउड भी पड़ी है. तो आंसर सीधा सीधा टू हिज कोई मिस्ट्रेस है, ये एंड्रू मॉर्वल की लिखी हुई है. इसमें भी हाइपरबली बहुत ज्यादा यूज करा गया है, लेकिन अपॉन द गल इस टाइम नहीं करनी. तो 28 का आंसर है सी, टू हिज कोई मिस्ट्रेस. नोबेल प्राइज विनर हूँ इन्हें आप देखो, आप बहुत सियाने बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला. जीबी शाह और बैकेट को मिला हुआ है, पता है. वैसे उन दोनों आ गया, जॉन स्टेनबेक इन्होंने क्वेश्चन होर पाया हुआ है इनका. इतने देखो जिन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाई उन्होंने इन दो नंबर कमाए. किमें पहला मार्क्स देखो कैसे, जीबी शाह और ये तो ऑप्शन है ही नहीं, एलिमिनेट कर लो. तो डीएच लॉरेंस नु मिले ही नहीं कदे नोबेल प्राइज, तो यहाँ डीएच लॉरेंस हो गया आंसर डी. लेकिन इसमें याद रखो जॉन स्टेनबेक को गोल्ड मिला है, सॉरी नोबेल प्राइज मिला है, तो यही क्वेश्चन अगे आया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है और सीधा सीधा आंसर मिलता है. मैं आपको दिखाऊंगा जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की थी कि स्टेनबेक का आंसर किमें लाना से. तो 29 का आंसर डी, डीएच लॉरेंस. वेल डन सिमरन, शाबाश, क्योंकि स्टेनबेक का आंसर आया है द ग्रेप्स ऑफ रायत वाला,
ठीक है, रोथ वाला, उसमें यही क्वेश्चन इन्होंने यहीं से उठा लिया था। हाँ जी, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, पता नहीं ये 400 को लाइनर्स में हमने कितनी बार इसको पढ़ा है, कितनी बार इसको पढ़ा है। तो आंसर इज 12th Night। ठीक है, ड्यूक की स्पीच, ड्राइडन। देखो जब बात हो गई जॉन ड्राइडन की, वो कहते हैं बिगिनिंग खेड़ी यही तो हुई है, तो ऑब्वियसली प्रोज एंड रीजन, जो रेस्टोरेशन एज है, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है नहीं, रोमांटिक और ड्रामेटिक एलिमिनेट हो गए, तो प्रोज एंड रीजन इज द राइट आंसर। वेल डन मीनाक्षी एंड अंजलि, शाबाश, बिल्कुल यही बनना चाहिए था। तो अब क्वेश्चन नंबर, हम चले 32 की तरफ, सेट सी की गल हो रही है जी, सेट सी क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका आंसर वेव्स है, क्योंकि जॉर्ज इलियट ने नहीं लिखा, ये हमें पता है कि वर्जीनिया विल्फ ने लिखा था, तो इसलिए आंसर 32 था डी। हुण आ क्वेश्चन देखने वाला, देखो इन्होंने सीधा सीधा तुहानू गल लिटरेचर दी की, लेकिन देखो ब्रेकफास्ट लंच को मिलके बना ब्रंच, तो आंसर क्या हो गया, पोर्टमैनटू, पोर्टमैनटू, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले, कल मैंने आपको बोला था रस्किन और लुइस के वर्क पढ़ना, सीधे सीधे वर्क पूछे, तीन क्वेश्चन आए सेम, कल तो उन्होंने क्या सी, और आपको याद होगा मैंने आपको बोला था वर्क के नेम पढ़ना, और जिन्होंने बात सुनी है उन्होंने देख के हैरान हुए होंगे कि 50-40 क्वेश्चन सीधे वर्क पूछे हुए ने, और उनमें से एक ये भी है। तो अनटू दिस लास्ट रस्किन का वर्क आंसर है जी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गांधी से एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे। व्हाट डू यू कॉल इज यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन हैविंग वन वॉवल साउंड और विद और विदाउट सराउंडिंग कंसोनेंट, आंसर इज सिलेबल, ध्वनि। यूनिट ऑफ प्रोनंसिएशन जिसमें वन वॉवल साउंड होती है लेकिन कंसोनेंट हो भी सकता है, तो नहीं भी दुनिया जिन्हों कहते हैं, तो वो सिलेबल है जी इसका आंसर। देखो वाउल है, कंसोनेंट हो भी सकता है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, और कंसोनेंट क्लस्टर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वाउल साउंड है, तो देखो तीनों एलिमिनेट हो गए, वाउल और कंसोनेंट की बात हो रही है, तो ये अकेला नहीं हो सकता, ये अकेला नहीं हो सकता, क्लस्टर नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट वे सिलेबल, नहीं जी सिलेबल आंसर आएगा इसका, सी ही आंसर है। बेन जॉनसन को रोट आइल ऑफ डॉग्स, थॉमस नेश के साथ आइल ऑफ डॉग लिखा, 36 का आंसर बी। 37, नेम द ग्रेट विक्टोरियन राइटर सीडोनम मैरी एनी वांस, तो आंसर हो गया डी, जॉर्ज इलियट। जोनाथन स्विफ्ट ने कौन सा वर्क नहीं लिखा, आप बड़ी बारी कहते होते थे किन्नी बारी प्रैक्टिस की थी कि नोट जरूर देखना है, तो इसमें मॉडेस्ट प्रपोजल, सॉरी द मिस्टेकन हस्बैंड जो है वो ड्राइडन ने लिखा है, ये साडा आंसर। ठीक है, 38 का आंसर हमारा हो गया। 39, रहल एंड एस्था, आंसर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 39। सीधे सीधे क्वेश्चन ने जी सारे कहते हो ने अपा। सॉन्ग्स ऑफ लव एंड डेथ, तो ये कौन सी कलेक्शन है, ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू की ब्रोकन विंग्स से ली गई है। तो 40 तक क्वेश्चन होगा जी, 41 सी सेट है जी, बार बार आपको बता रहा हूं, सेट सी। कॉलरिज की कौन सी वर्क है जो बैलेट के फॉर्म में है, तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, बाकी भी जी लोकल हिस्ट्री ऑफ लेजेंड, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ए ऑप्शन। 42, इकबाल सिंह, जुगत सिंह जुग्गा, बड़ी बार आपका करेक्टर की था, और मैं बार बार आपको एग्जांपल देता होता था, ट्रेन टू पाकिस्तान आ गया, ट्रेन टू पाकिस्तान आ गया, तो सच में आपको ट्रेन टू पाकिस्तान देखने को भी मिला, तो आंसर बी, ट्रेन टू पाकिस्तान। मॉडर्न लिंग्विस्टिक के फाउंडर सिमियोलॉजी लेड द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज फर्डिनेंड डिसोसा, ससुर जी आ गए जी, बार बार बात करते थे हम इसकी। लिंग्विस्टिक विच वेरिएशन इन पिच यूज्ड, वेरिएशन इन पिच यानी कि राइज एंड फॉल, मैं तो दस्या सी राइज एंड फॉल जब होता है वो इंटोनेशन में होता है। ठीक है, तो इंटोनेशन, हाँ जी। 45 क्वेश्चन कहते हैं व्हेन द स्लीपर वेक्स, क्लॉकवर्क ऑरेंज, 1984 फ्रैंकनस्टीन में क्या चीज टर्म कॉमन है, तो देखो 1984 से तो अपन मान लो आप दो नहीं पढ़े, लेकिन आपने 1984 को पढ़ो, पहली लाइन क्या आती है, डायस्टोपियन, तो आंसर इज डायस्टोपिया सब में, तो आंसर इज सी। 46, लॉर्ड बायरन किस वर्क को खत्म नहीं कर पाए थे, तो जॉन हुआन, डॉन हुआन नहीं खत्म हुआ था। अब ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर है जी, तीसरा क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ सिलेबस था आपका।
कंट्री वाइफ जो है विलियम वाइशले ने लिखा हुआ, तो जिसका गैस हो सकता है ठीक हो गया हो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड देता तुझे एम एम किसी ने देख लिया डब्ल्यू डब्ल्यू वाइफ वाइफ डब्ल्यू डब्ल्यू बस लगाने चाहे विलियम कॉन्ग्री में इसमें दो डब्ल्यू आए तो मे भी किसी ने गैस किया है। फिनीम्स कितने हैं 44, साउंड हम बहुत बार कर चुके हैं, फिनीम्स 44 हैं हमारे पास। 49 वेयर पैलसी शेक्स अ फ्यू, तो जो वेयर है जो दिखाया जा रहा है आपको आंसर 49 एनाफोरा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 फाउंडर ऑफ एबे थिएटर डब्ल्यू बी येट्स। क्वेश्चन नंबर 50 आंसर ए सी सेट की बात हो रही है जी, याद रखना सेट सी है हमारे पास। एक ऐसी पोम जो एड्रेस की जाती है और जो पोम एड्रेस की जाती है वो ऑड होती है, सी आंसर 51। 52 पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश 1677 फर्स्ट वर्जन, नॉट सेकंड वर्जन, फर्स्ट वर्जन 67। इनकॉस्पिशियस जो वर्ड होता है जो नॉट विजिबल, होने आंसर थ्योरी बेस्ड होएगा लेकिन इसका जो सही आंसर और कहता भी केड़ा योनरा, कौन सा योनरा था जो ऑगस्टन एज में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिला। प्रोस तो बहुत लिखी गई थी, ड्रामा बहुत लिख था, पोइट्री भी थी, लेकिन जो चीज कम रही है ना जो ज्यादा दिखी नहीं वो फिक्शन है। आंसर है सी, क्वेश्चन मार्क लगा लेना क्योंकि थ्योरी बेस्ड है लेकिन आंसर आई फील 99.9% इसका जो आंसर है वो फिक्शन हो। सलमान रशीदी को बुकर प्राइज मिडनाइट चिल्ड्रन 54 आंसर और सेट सी। अलेक्जेंडर पोप सेलिब्रेट करा गॉडेस डलनेस को आंसर ए डेंसियाड। 56 अ पोम विच इज नॉट रिटन बाय किड्स, तो वो स्काईलार्क है वो हमें पता है कि बाकी तीन लिखी हुई है स्काईलार्क शैले का। कौन सा करेक्टर है मार्लो का जो डीप इंटरेस्ट लर्निंग में शो करता है लेकिन बाद में नेक्रोमेंसी ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है, डॉक्टर फॉस्टर्स नेक्रोमेंसी ब्लैक मैजिक। 58 क्वेश्चन सेट सी मर्डर इन कैथेड्रल में किसके मर्डर की बात हो रही है, तो थॉमस बेकेट बी ऑप्शन। सेलिब्रेटेड राइटर रोट इन कस्टडी अनीता देसाई सी ऑप्शन। 60 यूनिवर्सिटी विट्स का कौन मेंबर है, तो कैसे भूल सकते हैं हम द लीडिंग वन क्रिस्टोफर मार्लो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्जीनिया वुल्फ का, और जब बात आ गई रामसे फैमिली की पता नहीं पिछले दिनों में कितनी बार ये क्वेश्चन अपने सामने आया है टू द लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 62 कोई डाउट नहीं मैरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सोनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोनेट बाय पीबी शेले, तो आपको याद होगा उजीम इंडियास किंग ऑफ किंग्स। हिगिंस करेक्टर प्रोफेसर हिगिंस एलिजा डूलिटल याद होगा पिग्मेलियन 64 सेट सी आंसर बी। 65 सॉन्ग्स एंड सोनेट, अब ये देखो ये क्वेश्चन किसी ने भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए सिर्फ हमें आउट ऑफ सिलेबस है। देखो टोटल्स मिस लेनी को किसने पब्लिश करा, तो रिचर्ड टोटली करेगा ना इसे, सीधा सीधा आंसर प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पर काम करती है। सॉन्ग्स एंड सोनेट जिसको हम टोटल्स मिस लेनी करते हैं, कहते हैं एंथोलॉजी पब्लिश किने किता, तो पब्लिश टोटल को टोटल ही तो करेगा, तो रिचर्ड टोटल सीधा सीधा आंसर देता है, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये विद इन सिलेबस हो गया। इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन टू हैव नेवर लव्ड एट ऑल, 401 लाइनर्स में ये हमारा है। 63 का रिपीट जरूर कर देता हूं मैं जी आपके लिए। 63 का आंसर था पीछे नहीं जा रहा, 63 का मैरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन सेट सी मैरी वुल्फस्टोनक्राफ्ट, सीधा सीधा आंसर ये विपन। तो इन मेमोरियम बहुत बार ये कोट हमने पढ़ा है, इन मेमोरी ऑफ AHH। ठीक है, तो ये आंसर इसका 63 द बोले हैं 63 सेट सी। ओके सॉरी पीबी शैले का ओजिम इंडियास, विपन ओजिम इंडियास, पीबी शैले का ओजिम इंडियास। चलो जी उनके चलिए आप क्वेश्चन नंबर 67। तो
पूरी यहाँ पर ये आपको सी सेट है दिख नहीं रहा होगा केड़ी एग्जांपल ड्रामेटिक मोनोलॉग दी नहीं है तो ओड टू वेस्टमैन, ओड टू वेस्टमैन ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। वैसे भी तुझे बाकी ऑप्शन दो तो तुम्हें पता सी है क्या नहीं, पैट्रियट है भी तो, लेकिन ओड टू वेस्टमैन पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन वेसेक्स नॉवल थॉमस हार्डी, ये तो किसी तरह गलत नहीं होता होगा कदे भी, चाहे नया बच्चा पहले दिन आए वो भी कर लेता है। 69 क्वेश्चन रिपीट होया जी, पिछली बार भी आया था। इट इज अ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, बहुत बार करा है, 401 लाइनर्स में भी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, नेगेटिव कैपेबिलिटी 70 क्वेश्चन, जॉन कीट्स, टेड ह्यूजीज का जो शेक्सपियर का गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग द वाइट गॉडेस, रॉबर्ट ग्रेव्स के वाइट गॉडेस से इंस्पायर्ड है। नवा क्वेश्चन जी तो लिए, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन, दाउ आर फ्री, आर्नोल्ड ने ये शेक्सपियर के लिए लिखा था जी। 72 क्वेश्चन, आंसर इज डी शेक्सपियर। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड, माय लव इज लाइक ए स्वीट रोज, बहुत आसान, लाइक यूज करा है तो सिमली। 73 डॉक्टर फोस्टर्स का फुल टाइटल, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, डी। 74 75 डार्क रूम आर के नारायण का इजी वन करा हुआ हमने सीधा ही। केड़ा वर्क हेरोल्ड पिंटर दा नहीं है, सेट सी जी। 76 क्वेश्चन, डॉक्टर्स डालेमा, जी बी शॉ। विच ऑफ दीज इज ए वर्क बाय सरोजनी नायडू, इसकी कोट भी बहुत बार कर चुके हैं, ब्लैंक एंड बैरर्स, कासल स्पेक्टर, इजी वन अगेन, सेट सी, सॉरी आंसर सी, और क्वेश्चन भी सेट भी सी है, आंसर भी सी है। मैथ्यू ग्रेजरी लुविस, कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है जब तो ऑर्गेनिज्म स्पीच कितने सी था, सब तो पहले तो रोई चीज सिखाई सी में, पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, तो सी आंसर। हु रोट एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, बेन जॉनसन, सी। 80 क्वेश्चन, सेट सी है जी। एलिजाबेथन एज की बात हो जाती तो सबसे पहली बात है कॉर्मेंटिसिज्म, एलिजाबेथन जैनी, प्लेटोनिज्म बाद में, मिस्टिसिज्म नहीं, तो क्या है रेनेसा पुनर्जागरण, एलिजाबेथन एज में सबसे ज्यादा रेनेसा था। हाउ मनी वाउल साउंड डज इन इंग्लिश साउंड सिस्टम हैव, तो वाउल साउंड हमें पता है 20, 24 कंसोनेंट, 20 वाउल साउंड। मैरिज शेली फ्रेंकनस्टीन आपका किन्नियर कितना है ना, 18 18 को, तो कितने वर्क आपको याद है, सारे जो भूत वाले थे 18 18 में आ गए थे। सेट सी है जी हमारे सामने। वीवर्स, देखो जब वीवर्स ही आ गया तो सीधा सीधा हिंट है इंडियन वीवर्स, बस वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, तो गलत कैसे हो सकता है, इंडियन वीवर्स सरोजिनी नायडू। 85 क्वेश्चन, एस्पेक्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, नोम चॉम्स्की, बहुत बार आपको तो इसके पब्लिशिंग ईयर भी पता है। 85 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो सेट सी। 86 से चलते हैं, कौन सा वर्क हेरोल्ड पिंटर ने नहीं लिखा, तो वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है, थॉमस बैकेट, बैकेट का सैमुअल बैकेट, हाँ जी। हु हैज रिटन फॉलोइंग लाइंस, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट वर्ड देख के शायद आपने शेक्सपियर लगाया, तो वेल डन, बहुत बढ़िया है। ऑल्दो ये टेम्पेस्ट की स्पीच नहीं है, ये एक सोनेट है 116 शेक्सपियर की लिखी हुई, लेकिन टेम्पेस्ट वर्ड देख के अगर तुझे गैस किया शेक्सपियर तो शाबाश है, शेक्सपियर इसका आंसर। नोवेल ऑन येलो पेपर, सेट सी में, सी। स्टीव स्मिथ, रेल्फ करेक्टर लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, रेल्फ पिगी। 90 रामानुजन का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला, कलेक्टेड पोम्स के लिए, कर चुके हैं क्वेश्चन अपा, कितो है अपा। 91 सार्टर रिजॉर्टस, थॉमस कार्लाइल, सेट सी। स्टीफन डेडलेस प्रोटैगनिस्ट, सीधे सीधे क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन बहुत बार, कम से कम 30 40 बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेट में भी पीछे रिवीजन ऑफ रिवीजन ही पाया हुआ सी। हाँ जी, ग्रोथ ऑफ, यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान से इंपॉर्टेंट थी, ग्रोथ ऑफ हिस्टोरिकल पर्सनेजेस आर्टिस्ट, जो ग्रोथ आर्टिस्ट दी होंगी ना वो कंट्रोल से रोमन होंगे, तो आंसर इज डी। 93 का डी। 94 सेट सी। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, सेट सी की बात करेंगे जी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव तो टी एस इलेट, आंसर इज डी।
वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट 1843 96। एक्सटेंडेड कंपैरिजन जो पैराडाइज लॉस्ट की गल आ जाती ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया था कि सबसे ज्यादा पेंडेमोनियम में उसने यूज करी थी एपिक सिम्बलीज, उनके भी यूज किया, मतलब पैराडाइज लॉस्ट में जो सबसे ज्यादा यूज करेगी सिम्बलीज, एपिक सिम्बलीज, एपिक है और साथ में सिम्बली यूज करी गई, तो डी। ए अपने 400 वन लाइनर च भी है। हाँ जी, पामेला किसका लिखा हुआ है? सैमुअल रिचर्डसन का, एपिस्टोलेरी नॉवेल्स। एमले ब्रोन ई से याद किया जी अपना, ई एंड एलिस बेल, एलिस बेल चाहे ई इसने लिखा लेकिन हमारा एलिस बेल आंसर। 99 वो वाला क्वेश्चन आ गया जी जो मैंने आपको बोला था, देखो नोबल प्राइज जर्म्स फोस्टर्स को आप बाहर निकाल रहे हो, नोबल लॉरेट उन्होंने आंसर जॉन स्टेनबेक दिया और ग्रेप्स ऑफ रॉथ उसने लिखा था, आउट ऑफ सिलेबस सी लेकिन ए प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक किया जा सकता था क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले दिन। और ये तो 400 वन लाइनर तो क्या बहुत बार कर लिया, नो आई एम नॉट ए प्रिंस हेमलेट नोर मेंट टू बी, प्रूफोक लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ट प्रूफोक। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल आपका किया होया जी, व्हेन आई कंसीडर माय हाउ माय लाइट इज स्पेंट, द एज ऑफ 43-44 समवेयर जदों दी अखा दी रोशनी चली गई सी। तो हेडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 102 एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल, सेट सी आई एम टॉकिंग अबाउट जो एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल ईएम फॉस्टर्स का है। 103 स्टोरी ऑफ रिमनी ले हंट की है। क्वेश्चन नंबर 103 हो गया, सेट सी है जी। क्वेश्चन नंबर 104 ये आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सी अपना, कौन सा वक्त जो है जॉन वेबस्टर का नहीं लिखा हुआ, चलो ये तो तुझे गेस करना थी, तो चेंजलिंग इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन जिन्होंने टिक किया है, तो ये गेस वर्क ही रहेगा आपका, तो यू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ये भी अपने लिए। सीमस सी ने ग्रेजरी अवार्ड मिला था वो किसके लिए, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ही हमें पता है डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, तो बी ए ऑप्शन डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट। 106 एज यू लाइक इट में कौन आता है जो लास्ट में रिजोल्व करता है, तो बी ऑप्शन इज ए हाइमन जो उनकी मैरिज भी करवाता है बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग एज रिटन स्ट्राइडर, स्ट्राइडर तो आपको पता है एक रामानुजन का है, ऑप्शन ए 107 क्वेश्चन सी सेट। 108 बहुत बार कर लिए कोर्ट जी, बहुत बोलते थे कि आप कोर्ट नहीं आती, कोर्ट नहीं आती, देखो सारिया कोर्ट सीधे सीधे आई, 116 को छोड़ के, तो पीबी शैले का स्काई लार्क से लिया गया है ये, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, यही कोर्ट आपको करवाई है हमने बार बार। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, सिलेबस से बाहर नहीं कहेंगे हम, लेकिन हमने नहीं पढ़ा हुआ था। हु कॉल्ड जॉनसन द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, जिन्होंने टिक करा कॉन्ग्रेचुलेशन, चार्ल्स गेल्डन इज राइट आंसर। हाँ, नामी का मैचिंग नहीं आई, हाँ तो चार्ल्स गिल्डन इसका आंसर है जी 109 में। कौन सा नोवेल हेनरी फील्डिंग का नहीं लिखा हुआ, वो है क्लैरिसा, क्योंकि क्लैरिसा तो है सैमुअल रिचर्डसन का, सेट सी है जी अपने को। क्वेश्चन 110 पे हम पहुंच गए हैं। 111 नेल्सन फिगर बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ वेनिस गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही इसमें ऑप्शन है हेरल्ड पिंटर। कितनी बार कर लिया ये हमने, मुल्क राज अनंत के अनटचेबल की प्रीफेस किसने लिखी, ये फॉस्टर ने 112। टीएस इलियट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट वेरी इजी, तो टीएस इलियट 113। तो 114 लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा वो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस होगा जी। 112 का आंसर आपको बता देता हूं, 112 का आंसर है जी ईएम फॉस्टर्स, ठीक है ईएम फॉस्टर्स, ईएम फॉस्टर्स इज राइट आंसर 112 का। तो ये है बी आंसर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। 114 का बी ऑप्शन आएगा जी, वेवरली नोवेल्स वॉल्टर स्कॉट 115, वदरिंग हाइट का नरेटर नेली नेलेडीन है जिसका नरेटर,
तो नेलेडीन क्वेश्चन नंबर 116, 116 नेलेडीन ए ऑप्शन, 117 विच ऑफ दी नॉट प्ले बाय शेक्सपियर, तो एडवर्ड टू, एडवर्ड सेकेंड, 118 होना क्वेश्चन को देखो, 118 को क्वेश्चन को देखते हैं, 118 को देखो, उन्होंने कहा कि एक ऐसा रियल पर्सन या फिक्शनल पर्सन जिसके नाम पे बुक रखी जाए, टाइटल उनके नाम का होवे, तो टाइटल नेम का होगा तो क्या होगा, बी ऑप्शन एपोनिमस, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर एपोनिमस। हाँ बिल्कुल सुरभि, इसको मैंने यूज करा है, एपोनिमस करेक्टर, एपोनिमस क्योंकि उसी के टाइटल पे रखा जाता था ना इसलिए। हाँ जी, तो थॉमस हार्डी का लास्ट नोवेल हमें पता है, ज्यूड द ऑब्सक्योर, ज्यूड द ऑब्सक्योर इज द राइट आंसर, सी सेट है मेरे पास। तो विच वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल ऑफर्स पर्सनल अकाउंट, तो उसकी आपको पता है, आंसर इज बी होमेज टू कैटोलिना, बी ऑप्शन। जॉन डन बिलोंग्स टू इजिएस्ट वन, इससे आसान क्या होगा, मेटाफिजिकल पोइट्री, तो 121 का क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोइट्री है। 122 नंबर पे चल रहे हैं जी, सेट सी है हमारे पास, सेट सी होएगा जी। तो रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने कंट्रीब्यूट करा, किसमें कंट्रीब्यूट करा, टेटलर और स्पेक्टेटर में करा, 122 द ए। प्रोमिनेंट थीम इवेन बोलेंड के वर्क का क्या है, क्योंकि आयरिश है तो आयरिश नेशनल आइडेंटिटी है उसकी, 123 ए। 124 शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश कदो आया, 1579 एच, इजिएस्ट वन हमारे लिए। एसेज ऑफ इलियाब, ये क्वेश्चन बाहर से जरूर, लेकिन ये ना जिन्होंने 400 लाइनर पढ़े हुए ने उन दे विच है गए, एम आई राइट सुरभि, सुरभि होगी यहाँ पर, बाकी भी होंगे थे, तुसी याद होएगा 401 लाइनर एच एसेज ऑफ इलिया है गए, और वो चार स्लैम है उसमें, ये मैंने लिखा भी हुआ है, तो चाहे बाहर तो सी सिलेबस है लेकिन अपने यहाँ से बाहर नहीं गा सी, अपने यहाँ से क्वेश्चन होंगे 401 लाइनर छेगा सी, तो चार स्लैम तो हमारे लिए सिलेबस से बाहर का नहीं सी। हाँ टेस्ट टेस्ट भी गा सी, पहले वाले टेस्ट में भेजा सी थोड़ा, तो चार स्लैम इंडिया के ऐसे से। तो राजा राव की फर्स्ट बुक कांतापुरा 1938, 126 कर्ट सक्सेसफुल आइवरी ट्रेडर, ये कैसे गलत हो सकता है, तो जोसेफ कॉन्रेड का। आपको अगर पहचानना है पेपर किसका, तो ये फिंगर पहचान लो किसकी है, फिंगरप्रिंट आए हुए। तो फायर ऑन द माउंटेन अनीता देसाई, इजिएस्ट वन। अपा तो उनमें कैसे भी अपने अगर होना पवे कि अभी 8 क्वेश्चन बार हो या 10 क्वेश्चन बार हो आए ने, तो 140 दे विचो 2 क्वेश्चन नवे ने, 138 क्वेश्चन सीधे सीधे अपने ने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, और जो बाहर वाला चार स्लैम वो भी हमने करा। सैमुअल बेकेट नोबेल प्राइज 1969, नॉर्थेंजर है पे, ठीक है जी, गॉथिक नोवेल 130 सेट सी। टेनिसन इन मेमोरियम इन द मेमोरी ऑफ ऑर्थर हेनरी हेलम, ए ऑप्शन, 131 सेट सी। अ टेल ऑफ द पब्लिश्ड ईयर 1704, एडवर्ड फेरर करेक्टर, ये नया हो सकता है आपके लिए, ठीक है, जेन ऑस्टन का जिन्होंने चेक किया, वेल डन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है जी। एलिनर सिस्टर, डैशवुड सिस्टर याद हो गया तुम्हें, तो ये करेक्टर सेंस एंड सेंसिबिलिटी से, एडवर्ड फेरर्स। क्वेश्चन 134, जोसेफ एडिसन ने किसकी हेल्प करी थी किटकैट क्लब के लिए, तो रिचर्ड स्टील की हेल्प करी थी, सेट सी है जी, तो आंसर भी यहाँ सी है। करेक्टर इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, पता नहीं कितनी बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, 401 लाइनर में वंस अगेन मैकबेथ, जॉन रस्किन और पैथेटिक फैलेसी, सीधा आसान सा क्वेश्चन। 137 वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट नहीं करती तो वॉइसलेस होती है, उस दिन ही आप कुदरती डाउट सी किसी ने क्लियर कर दे पाए सी कि वाइब्रेट करेंगी, हम करेंगी तो वॉइस्ड है, नहीं करेंगे तो वॉइसलेस है, तो वॉइसलेस सीधा सीधा क्वेश्चन अपन मिले। रेनबो का सीक्वल वुमेन इन लव, 138 सेट सी, याद रखना। सिक्स लाइन सेस्टेट, उस दिन पूछा सी आपा भी 8 लाइन एन ऑक्टेव सोनेट में, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे रात वाली लाइन में पूछा था, ये नाइट क्लास से चप्पा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मीनिंग ऑफ, मैंने आपको कल बोला था ना सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप एवं पूछे जाते
देखो कितने क्वेश्चन उन्होंने सीधे वर्क के पूछे। आइए रिचर्ड्स, एलिजाबेथन एज पीरियड 144 क्वेश्चन सी सेट, तो 1558 तो 1603 यानी कि 1558 टू 1603। वेल डन अनामिका। कौन सा वर्क शैले का, मैरी शैले का नहीं है, तो ये हमें पता ही है किसका सेनेटर, ठीक है, तो इसलिए आंसर सी। व्लादिमीर स्ट्रेजन, वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव, पब्लिश ईयर 1678। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल लेक्सिकल आइटम इज ए मॉर्फिन, बी ऑप्शन। मिल्टन्स पोएटिक ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट, डी ऑप्शन। जॉन रस्किन ऐसे किसका डिफेंस है, तो मॉडर्न पेंटर्स का, बी ऑप्शन, पेंटिंग के बारे में, ठीक है। ग्रेट ट्रेडिशन वर्क बाय कल क्या सी, तोरुमी लुइस से वर्क से देते पढ़ लो, एफर लेविस। कौन सा वर्क जॉन डन का पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ, तो बाइंथेनस। 149 और 150 की बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड जो तुम्हें पता ही है, फिर वो पिग्मेलियन नहीं मिला सी। तो ये है जी सी सेट की आंसर। आप अपने अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो। 19 गलत हैं तो 131, मैं जो एवरेज ला रहा ना तो कहीं ना कहीं 120 प्लस जाके 125 प्लस वाले गुड 130 सिक्योर्ड होना चाहिए। देखो ये गैस होता है। 149 का आंसर ए है जी जपन मनप्रीत, 149 का ए, 140 प्लस शायद। वेल डन राजदीप, शाबाश। देखो जी मेरे को लगता है 130 वाले सिक्योर हो जाने चाहिए ने, ये नहीं कि 125 डाउट वाले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 130 जिन्या पोस्टा ने, तो 130 वाले तो ऊपर दे नंबर आ जाना चाहिए। बाकी अभी मैं ये पूरा नहीं बताऊंगा। वेल डन 140, शाबाश, वेल डन। देखो अभी इंदु कुछ नहीं कह सकता, 130 प्लस होना चाहिए कहीं ना कहीं, 130-125 प्लस। पेपर देखो पता है क्या होता है, 10 क्वेश्चन जो बाहर से है किस किस का गैस ठीक होगा ये डिपेंड करता है ना, किस किस का गैस ठीक होने वाला है हम उस पर देख रहे हैं। अपने क्वेश्चन देखो, मान लो 135 क्वेश्चन आए सी, ठीक है, जे तुसी 133 अपने किते हुए सी, जे उन्दे चो 130 ठीक कर रहे हैं, तो गैस तो तुहाडे भी ठीक होए होंगे, ठीक है। तो अभी स्टे होपफुल, बाकी तुसी अपनी मेहनत कर ली, मैं अपनी मेहनत कर ली, नाउ लेट्स वेट, ठीक है। हाँ पहले 22 का आंसर बता देता हूँ इसी सेट में। चंचल आंसर यहीं लिख रहा हूँ मैं, करते जाना नोट। तो सेट सी का पहले का आंसर, तो सेट सी में एक मिनट पेन सही ले आऊं। हाँ तो 1 का आंसर बी, सेट सी में बता रहा हूं। आई होप सो, मैं तो कहता हूँ मेरी तो दुआएं आप सबके लिए हैं और ये एफर्ट जो आप सबके लिए ही हैं। इसको दोबारा मैं आपके लिए नोट कर लो चंचल, सेट सी का पहले का आंसर है बी, दूजे जगह डी दिल्ली, थर्ड का आंसर है बी बेल, फोर का ए, फाइव का सी, सिक्स का बेल, सेवन का सी, एट का बेल, नाइन का बेल, टेन दिल्ली, इलेवन सी, ट्वेल्व सी, थर्टीन ए, 14 दिल्ली डी राजा राव, 15 सी फिलिप लार्किन, 16 दिल्ली मिडिल मार्च, 17 सी अमिताभ घोष, 18 सी, 19 ए, 20 ए, 21 बेल बी, 22 ए, 23 ए, 24 ए एंड 25 बी बेल। किसी के क्या 150 आ रहे हैं, वाह जी वाह, फिर तो सल्यूट है जिसके 150 आ रहे हैं। 150 वाला तो जी फिर तो कमाल है, सल्यूट है उस बंदे को जिसने 150 स्कोर कर दिया। 18 का आंसर
18 का आंसर सी है जी। चलो हो भी सकता है भी किसी ने मेहनत करी हो, सिर्फ हम ही थोड़ा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ उन चाहिए भी लक कितना बड़ा चाहिए कि आप जो बाहर वाले क्वेश्चन वो भी आते हैं, मतलब कोई यूजीसी वाला तैयार वाला बंदा होना जो 150 स्कोर कर गया। तो आप अपने मार्क्स ग्रुप में जरूर शेयर करना। अमन अभी इसका मैं आंसर अब नहीं दूंगा, मैंने उस दिन आपको बोला था कि मेरे से बस अब मैंने गैस कर दिया, इससे अब आप उठो, मैं अपना काम कर चुका हूँ, मैंने अपनी मेहनत कर ली, आपने अपनी मेहनत कर ली, अब हम वेट करेंगे, ग्रुप में मैं आंसर के डाल दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, सुरभि लगाइए तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ अभी आंसर की ग्रुप में शेयर कर देता हूँ मैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ओके 12 और 14 अंजू, 12 सी का जो सेट सी है, 12 का आंसर है सी और 14 का है डी राजा राव। थैंक यू वेरी मच जी।